देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती पर राजधानी देहरादून में BDS कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। साथ ही सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक खजान दास ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर कॉलेज के छात्रों का हौसला अफजाई किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका त्याग नौजवानों के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आत्महत्या जैसी चेतावनी देने वालों पर खासा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति कायरता से भरी होती है, जिसको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी में एक धारा का नेतृत्व करते थे, वो थी गर्म धारा। और उनका स्पष्ट सोच थी कि अंग्रेज हमारे अहिंसात्मक सोच से भारत छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसलिए हमको एक आर्मी भी समानांतर खड़ी करनी चाहिए। अंग्रेज भय के कारण यहाँ से जाएगा, और मैं समझता हूँ कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना गठित की थी वो आज का म्यांमार और तत्कालीन ब्रह्मा, वहाँ तक उनकी सेना पहुँच चुकी थी, जो बहुत ही कमिटेड थी। नेताजी का कोई भी आदेश, नेताजी का कोई भी संकेत, वो जीवन उत्सर्ग के लिए तैयार रहते थे। और इसलिए देश की आज़ादी के लिए मैं समझता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान रहा है, उनका जो त्याग रहा है, वो ऐतिहासिक है, नौजवानों के लिए प्रेरणादायक है। गलत परंपराएं डालने के लिए शासन का काम नहीं होता है, और शासन सरकार ये सबके लिए होती है। उसके जो निर्णय होने चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए, और जिस तरह का यहाँ पर वातावरण बनाया गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। मैंने भरपूर प्रयास किया जाए कि उसको जीवन दिया जाए, आप सब लोग उसके साक्षी हैं। मंत्री जी ने स्वयं उस नौजवान को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा, उसके बावजूद जिस तरह से उसको मुद्दा बनाया गया, एक फैशन सा शुरू हो गया उस दिन से, एक टैक्स चोर को पकड़ा गया, मेरे पास शिकायत आई, वो थ्रेट कर रहा है कि मैं, मुझे सताया जा रहा है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जिस तरह से उन्होंने स्तरीय राजनीति जो उनको करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं होती। और इसलिए मैंने कहा कि मैंने तब भी स्पष्ट किया था, मेरे पास प्रतिपक्ष के भी कुछ लोग आए थे, हमारे भी कुछ लोग आए थे, मैंने कहा मेरा वसूल नहीं कहता इस चीज़ को कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। और इसलिए मैंने कहा कि हम इस आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है, मैं इसको कायरता मानता हूं और हम इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।